नमस्ते साथियों, सी एस टी ए लॉन्च पैड कॉम्पिटिटिव में आप लोगों का स्वागत है। आज का अपना 6 नंबर का क्लास है, वेल्डर ट्रेड से जो धातु जोड़ प्रक्रम का जो लेसन चल रहा था उसका आज का अपना 6 नंबर का क्लास है। 6 नंबर के क्लास की पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में ब्रेज की जांच नहीं की जा सकती है। जो ब्रेज होती है, जो अपना एक्सरे वगैरह से जो जांच करते हैं जिसमें वेल्डिंग का, तो उसके बारे में पूछ रहा था। इसमें से किस में जांच नहीं की जा सकती है, तो किस में नहीं की जा सकती है जा सकती है। देखो, धातु विज्ञान माइक्रोस्कोप, जो धातु जो विज्ञान है हमारा, जो मेटल है उससे माइक्रोस्कोप से हम उसको वेल्डिंग को जाँच सकते हैं। ठीक है, देखिए पोलिशिंग इंजिंग ये भी एक क्या है जांचने की एक इक्विपमेंट है। ठीक है, एक्सरे से हम क्या क्या कर सकते, ब्रेज को जांच सकते क्या, नहीं जांच सकते। क्योंकि क्या है, एक्सरे से हम वेल्डिंग की गहराई में अगर कुछ रह गया है, गैप रह गया है, क्रैक रह गया है, उसको हम यानी कि इसको जांच सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बॉडी के भी कभी हमारे एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करते हैं, एक्सरे से हम बॉडी की भी हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, हड्डी टूटी है नहीं टूटी, वैसी वेल्डिंग की भी एक्सरे से जांच होती है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी जाँच नहीं होती है, तो इसका सही आंसर क्या है, नहीं होगी। तो जो हमारा ब्रिज वगैरह जो है, ब्रिज जो है उसमें यानी एक्सरे से जाँच नहीं होती है। ठीक है, सही इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 mm, जो ये 12 mm मोटी MS प्लेट की को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ने की कौन सी तैयारी सही है। ठीक है, तो जो 12 mm, देखो कैसे होगा, 12 mm की थिकनेस तो काफ़ी मोटी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे ये 12 mm की थिकनेस, तो इस थिकनेस को अगर हम जो ये यहाँ पे थिकनेस दिख रहा है आपको, ये 12 mm की प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, 12 mm की प्लेट है, ये MS प्लेट है। MS प्लेट को जब वेल्डिंग जोड़ने की जब तैयारी कैसे करनी है, देखो अभी ये क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, सिंगल वी का, क्या किया गया, सिंगल वी का आकार दिया गया। क्यों दिया गया, जब जब ये 12 mm की जो प्लेट है अपनी, दोनों को अगर जोड़ा जाए, एक साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें हम बट वेल्डिंग में जोड़ेंगे तो बट वेल्डिंग में क्या होगा कि ये ऊपरी भाग को वेल्ड होगा केवल, इसलिए वो पूरी तरह से मजबूती नहीं होगी। तो उसमें क्या करना, मजबूती लाने के लिए क्या करते हैं, हम सिंगल भी का हम आकार देते हैं। क्यों देते हैं, सिंगल भी आकार देने से क्या होगा, जो ये फिलर मेटल है, जो ये फिलर रॉड है, ये फिलर रॉड क्या होगा, ये पूरी तरह से इस प्रकार से भरते हुए इसमें आएगी। ठीक है, तो ये अगर हम पूरी तरह से भरेंगे तो क्या होगा, मजबूती होगी उसकी। ठीक है, अगर हम सिंगल रन भी लेते हैं तो इसमें कैसे, सिंगल रन भी लेते हैं तो इस तरह से पूरी पूरी भरते हुए आएगी। जब भी हमें सिंगल भी या डबल भी या जो भी, यानी कि अगर ज़्यादा मोटी प्लेट है तो हमें वेल्डिंग यानी कैसी करनी है, देखो अगर हम इस डायरेक्शन से एक बार ले रहे हैं, फर्स्ट डायरेक्शन इस बार ले रहे हैं, तो हमें सेकंड डायरेक्शन भी इसी बार से नहीं लेना है। सेकंड डायरेक्शन किधर से लेना है, हमारा इधर से आ जाएगा, इस एंगल से सेकंड डायरेक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो गैप जो रहती है, इस तरह से जो गैप आती है, देखो अगर हम इधर से लेंगे तो कैसे होगा, इस प्रकार से हमारी वेल्डिंग बनती हुई जाएगी, और हम इधर से लेंगे तो इस प्रकार की, तो ये जो गैप आता है ना, इसमें जोड़ क्या होगी, पूरी तरह से पकड़ और उसकी मजबूती आएगी, इसलिए हमें इस प्रकार से लेना है। तो हमें इसका सही आंसर क्या है, 12 mm मोटी के लिए कौन सी ज्वाइंट करना है, सिंगल वी ज्वाइंट। क्या है, सिंगल वी ज्वाइंट। ठीक है, समझ में आया, ये सिंगल वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग केबल तथा इलेक्ट्रोड के बीच में करंट प्रवाह करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो वेल्डिंग केबल होता है, यहाँ से देखिए आप लोग, केबल लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच में, ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे हमारा कैसे लगा था, ये हमारा इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो करंट का प्रवाह किया जाता है, किससे किया जाता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब देखना, ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हो सकती है ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन हमें क्या देखना है कि ऑप्शन देखना है। ठीक है, जो टूल्स पूछा है वो उसके ऑप्शन, तो ये क्या है, अर्थ क्लैंप, क्या है ये, अर्थ क्लैंप है, नहीं है, नहीं है, केबल नहीं है, लग अर्थ क्लैंप भी नहीं है, अर्थ क्लैंप देखो, अर्थ केबल दिया है, अर्थ क्लैंप दिया है, तो ये है या नहीं है। क्यों, अर्थ क्लैंप कैसा होता है, ये चिमटा के आकार का होता है, कैसा होता है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार का वो अर्थ क्लैंप होता है। ठीक है, ये चिमटा के आकार का होता है, यहाँ पे हम अर्थ क्लैंप केबल जोड़ते हैं, तो ये हमारा है, नहीं है, तो अभी ये क्या है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर, सही हमारा आंसर क्या है, डी, सही आंसर क्या है इसका, इलेक्ट्रोड होल्डर आंसर हमारा। ठीक है,
इस प्रकार से आप लोगों से सभी क्या होता है कि ये डायग्राम इससे दिखाया जाता है कि ऑप्शन आप लोगों को ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रोड होल्डर किसको कहते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता ही है, वेल्डर ट्रेड से अभी 1 साल का ITI किए हैं तो आप लोग सभी चीज़ की जानकारी होगा, ठीक है। कि कोई कोई बच्चे को नहीं होता है थोड़ा सा, तो रिविज हो जाता है, ठीक है, उसको रिवाइज भी हो जाएगा एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस वेल्डिंग विधि का नाम बताइए जिसमें धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए बेस धातु के समान फिलर का प्रयोग बिना किसी दबाव के किया जाता है। किसका भाई, किसमें किया जाता है? फ्यूजन वेल्डिंग में। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या हो जाता है, इसमें क्या आता है, फिलर जो है बेस है उसको उसमें जो प्रयोग किया जाता है उसमें दबाव किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाता, ठीक है, दबाव के किया जाता। उसमें क्या होता है, प्लेट को जब जोड़ा जाता है ना तो उसमें फ्यूजन जो होता है, आप लोग देखे होंगे जो ये अपना रेलवे ट्रैक जो होता है उसमें क्या होता है, फ्यूजन वेल्डिंग का उपयोग होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें आपको बता रहा है कि कौन कौन से प्रकार की फ्यूजन वेल्डिंग की जाती है, ठीक है। फ्यूजन वेल्डिंग जिसमें धातु के प्लेटों को जोड़ने के लिए बेस धातु के समान फिलर का प्रयोग किया जाता है। जो बेस धातु है हमारा, जैसे MS है तो MSE का प्रयोग किया जाएगा, कॉपर तो कॉपर का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, उसमें एक लिक्विड जो है वो अलग से इलेक्ट्रोड नहीं आता, उसमें कैसे बुरादे टाइप में आता है, उसको उसको डाल दिया जाता है और ब्लास्टिंग किया जाता है, और उसकी जो मेटलिंग होती है वो उस मेटलिंग पॉइंट से ज़्यादा होती है ब्लास्टिंग का, तो उस क्या होता है, एक लिक्विड अवस्था में वहाँ पे गैप में भरता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। तो किसी दबाव से किया जाता है, ठीक है, फिलर का प्रयोग बिना किसी दबाव से किया जाता है। उसमें क्या होता है, बिना प्रेशर, जैसे हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी प्रेशर नहीं देते हैं और डायरेक्टली डाल दिया जाता है लिक्विड के तौर पे, तो उस प्रकार से उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। कार्य की प्राकृतिक और स्थिति के अनुसार बेल्ट जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे बट ज्वाइंट, ये बट ज्वाइंट आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार का होता है बट ज्वाइंट, ठीक है। ये जो रेलवे ट्रैक में बताया ना आप लोग, वहाँ पे इसका उपयोग होता है, तो बट ज्वाइंट होता है, और रेलवे ट्रैक कैसे होता है, बट ज्वाइंट पे ही होता है, ठीक है। इसमें लैप ज्वाइंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एज ज्वाइंट में भी, कॉर्नर ज्वाइंट में भी, टी ज्वाइंट में भी, ये 5 प्रकार के ज्वाइंट में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखा जाए तो सब 5 प्रकार के ज्वाइंट को हम आमतौर पर सरलता तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये कॉर्नर ज्वाइंट है, ठीक है, ये फिलर रॉड है बिना मेस के, ठीक है, ये आप लोग बता दिया है। अभी देखो ये जो डायग्राम आप लोग दिखा देना, इसलिए दिखाते हैं कि कॉर्नर ज्वाइंट जो होता है, देखो यहाँ से भी कॉर्नर होता है, देखो एक जो कॉर्नर हो गया ये और एक ये, तो ये भी एक कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो ये फ्यूजन वेल्डिंग आप लोग को बस दिखाने के लिए, कॉर्नर ज्वाइंट के ऊपर फोकस नहीं देना, ठीक है, ये फ्यूजन वेल्डिंग का बताया जा रहा है, ठीक है। चलो सोल्डरिंग आयरन की टिप निम्न में से किसकी बनी होती है। जो सोल्डरिंग आयरन होता है आप लोग देखे होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हमारा सर्किट वगैरह के लिए जो सोल्डरिंग करते हैं उसकी भी टिप, और जो हमारे वेल्डिंग में भी सोल्डरिंग जो उपयोग होती है, तो पतली सीटों को जोड़ने के लिए उसका भी टिप किसका बना होता है कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर का। जो हमारा स्पॉट वेल्डिंग का भी, जो आप लोग देखे होंगे स्पॉट वेल्डिंग, जैसे मैंने ITI के क्लास में स्पॉट वेल्डिंग का पिक्चर लगा के दिखाया था, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग जो हमारे घर में जग होता है, पानी वाला जग, उसके जो हैंडल लगे रहते हैं, देखे होंगे आप लोग, छोटे छोटे टाके दो 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 लगे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। उस वो भी जो स्पॉट वेल्डिंग जो किया जाता है, इस प्रकार का उसका ये होता है, ठीक है, वो भी किसका रहता है, कॉपर का रहता है। किसका रहता है, कॉपर का। सही इसका आंसर क्या है, कॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये जो आप लोगों का अलग अलग ये सोल्डरिंग के प्रकार है, ये टिप के, ठीक है, बारीक से बारीक करना है, बड़ा करना है, जैसे आपकी वर्क के हिसाब से इसका टिप का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग अपना गैस वेल्डिंग में टिप जो करते हैं ना वर्क के हिसाब से उपयोग, वैसे ही सोल्डरिंग में भी टिप अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए डबल वी और डबल यू आकार बट वेल्डिंग जोड़ कितनी मोटी प्लेटों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो अभी ये क्या बोल रहा है, डबल वी डबल यू, तो अभी आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखे सिंगल वी, वो 12 mm के प्लेट को किए करते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं, 12 mm से अगर मोटी प्लेट आ गई तो उसमें भी सिंगल वी काम करेगा, नहीं, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डबल वी लगाना पड़ेगा, डबल यू कर दो, क्योंकि एक ऊपर से एक नीचे से, जैसे यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो रहा था, ऐसे प्लेट थी, ठीक है, ये हमारा ऐसे प्लेट थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, एक ऊपर से भी वी दे दिया और एक नीचे से भी वी का आकार दे दिया, ठीक है, बीच में ये रूट गैप दे दिए, और ये 60 डायरेक्शन मतलब 30 का 30 का, यानी कि क्या करना है, घसाई करना है दोनों से। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखने के लिए ये 12 mm, ये 12 mm, ठीक है, 12 mm के पे एक प्लेट जो किए थे, क्या किए थे उसमें, सिंगल वी का उपयोग किया था, क्या किया थे, सिंगल वी का। तो ये 12 mm नीचे से भी किए, तो अभी 15 mm की 14 1 15 mm, 1 mm तो अपन छोड़ सकते ना, 1 mm मायने नहीं होता है, ठीक है।
तो ये 15 mm से अधिक मोटी जो सीटें रहेगी उसमें हमें क्या करना है, डब सिंगल सिंगल वी का उपयोग ना करते हुए हमें क्या करना है, डबल वी और डबल यू का उपयोग करना है। डबल यू कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया डबल यू, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कमेंट्स बॉक्स में। देखो आप लोग बहुत देखते तो हैं सभी जन, लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि देखने कमेंट्स से क्या, कमेंट्स से क्या होगा कि आप लोग सही में आंसर आप लोगों को पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट्स करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों का माइंड में वो फिट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। देखना तो ठीक है आप लोग फिट हो ही रहा है माइंड में, बट लेकिन एक बार कमेंट्स क्लियर करेंगे तो उसमें भी आप लोग जब लिखना पढ़ना और सुनना एक साथ करते हैं तो क्या होता है कि माइंड में हमारे परफेक्टली फिट होता है, ठीक है। तो सही इसका आंसर क्या है, डी, सही इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दो समतल टुकड़े में आकार बनने के लिए आपको वेल्ड के किस रूप की जरूरत होती है, जब दो समतल टुकड़ों में आकार बनाने के लिए, ठीक है, आकार भी, आकार किसी का भी बनाएंगे तो उसमें आपको आपको किसका उपयोग की जरूरत होगी, देखो क्या होगा उस आकार में वेल्ड के लिए किसका जरूरत होगी, देखो वेल्ड की बोल रहा है, वेल्डिंग के लिए दो समतल के लिए टुकड़ों के लिए, तो उसमें उसमें देखो बट एज ये क्या है, ये एक प्रकार है, ठीक है, हमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फिलेट की, फिलेट मतलब क्या होता है, जो हमारे फिलर रॉड होता है उसको ही हम फिलेट बोलते हैं, ठीक है, जो हम वेल्डिंग करते हैं वो हमारी फिलेट होता है। दो समतल टुकड़ों के में आकार बनाने के लिए फिलेट वेल्डिंग की जरूरत होती है, जो समतल टुकड़े होते हैं उसमें आकार बनाने के लिए फिलेट की पूरी जरूरत होती है। पूरक पदार्थ द्वारा निर्मित बीड़ों से भर कर बनने वाले जोड़ ही फिलेट कहलाते हैं, ठीक है, देखो अभी वही बता रहा, बीड़ों से जो भरकर जो बनते हैं वेल्ड उसको ही फिलेट कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग प्रायतः लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, टी जॉइंट में किया जाता है। देखो लैप जॉइंट में क्या होता है कि उसकी गहराई कैसी होती है, ज़्यादा होती है, कॉर्नर जॉइंट में भी गहराई ज़्यादा होती है, टी जॉइंट में भी गहराई, टी जॉइंट में कैसे थोड़ा सा हम गैप छोड़ते हैं तो उसमें भी उसमें पूरा पूरा दोनों तरफ से हमें वेल्ड करना होता है तो उसमें भी गहराई ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, एक फिलेट का उपयोग हम अलग से एक इलेक्ट्रोड या फिलेट हम वहाँ पे क्या करते हैं, रख देते हैं, उसके बाद वेल्ड करते हैं, जिससे क्या हो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कम यानी इसमें भर जाए समय में और कम इलेक्ट्रोड में, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर क्या है, बी। ये देखो ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है डायग्राम, ठीक है, फिलेट कैसे होता है किसको बोलते हैं, देखो ये क्या है, एल जॉइंट है, एल जॉइंट में ये हमारा फिलेट हो रहा है, तो ये फिलेट होने के लिए कितने हमें एक रन में फिलेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसमें फिलेट के उपयोग करना है, ठीक है। ये हमारा बट जॉइंट है, ये हमारा स्लॉट, ये बीच में अंदर की ओर वेल्डिंग होता है, ये हमारा लैप है, लैप है, ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा वैसा बता दिया गया है, ठीक है, ये नाम के हिसाब से आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई पदार्थ आसानी से टूट जाता हो जाता है तो कहा जाएगा, ठीक है, अगर कोई पदार्थ आसानी से टूट जाएगा तो उस वो कौन सा पदार्थ है, देखो आप लोग देखे होंगे कि ये क्या है, चुंबकीय नहीं, तन्य, ये कैडेटिक नहीं, भंगुर, जो भंगुर होता है क्या होता है, कच्चा मटेरियल होता है, ठीक है, कच्चा पदार्थ का बना होता है मेटल का, तो ये भंगुर होता कैसा है, देखो अभी आप लोग देखे होंगे हमारे घर में लोहे की जो पाइप होती है उसमें जो वाल होते हैं नल वगैरह जो बने होते हैं, डोडी वगैरह जो जॉइंट वगैरह वो कैसे होते हैं, थोड़े से यानी कि ब्रॉश टाइप में दिखते हैं, ठीक है, पूरा प्योर मेटल नहीं होता, उसको अगर हैमर से मारेंगे पिचकेगा नहीं, वो कैसे हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये देख रहे हो आप लोग, यही है भंगुर ये, ठीक है ना, ये मेटल में नहीं आता है, मेटल में कैसा है, ये पूरा पूरी तरह से मेटल नहीं है, इसमें कुछ परसेंट बस मेटल की मात्रा है, बाकी ये कैसा मट्टी जैसा है, कैसा भंगुर, इसको यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, तो इसको ये मेटल को हम क्या कहते हैं, भंगुर, ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, भंगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इसलिए आप लोगों को दिखा दिया है, ये डायग्राम लगा देता हूँ कि आप लोगों को ध्यान में आ जाए कि भंगुर से बनने वाली कौन सी पदार्थ और कैसा दिखता है, उसमें कच्चा मटेरियल होता है कि नहीं होता है, आप लोगों को पता चल जाएगा डायग्राम देखने से। अभी अगर ये डायग्राम हटा दिया जाए भंगुर बोलूँगा तो आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा कि भंगुर कौन सा है, कैसा होता है, क्या होता है, वो आप लोगों को ध्यान में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए एक पिक्चर के माध्यम से दिखा दिया जाता है, आप लोग वो देखे हैं और वो समझ भी जाएंगे कि जल्दी हाँ हम ये तो देखे थे और इसको ये कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी पोजिशन में और पतली दीवारों वाले विभिन्न साइज के पाइपों के वेल्डिंग ज्वाइंट्स बनाने के लिए
किस तकनीके का प्रयोग किया जाता है? देखो सभी पोजीशन में, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट वर्ड होता है और राइट वर्ड होता है। हम मैंने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन बताया था, एक इनसाइड से एक अपसाइड से, तो इसी प्रकार से क्या होता है, देखो इसमें लेफ्ट वर्ड भी होता है और राइट वर्ड, तो ये हम दो प्रकार से क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं, ठीक है, एक राइट हैंड से एक लेफ्ट हैंड से। तो ये बोल रहा है सभी पोजीशन में पतली दीवार, जो पतली जो चादर होती है उसमें हम कौन सा यानी कि कर सकते हैं, तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट वर्ड लेते हैं। क्यों? लेफ्ट वर्ड से क्या होता है, जल्दी हमारी वेल्डिंग हो जाती है और पतली सीटों में लेफ्ट वर्ड ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, लेफ्ट। जो हमारी मोटी चादर होती है उसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड से ही, और हम सीधा 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 ऊपर से नीचे की ओर या राइट से ही हम लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट कब लेते हैं, जो पतली सीटें रहती है उसमें छोड़ बारीक बारीक करना रहता है, इसलिए हम लेफ्ट लेते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट वर्ड है, ये लेफ्ट है। अभी इसमें जो डायरेक्शन देख रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रॉड का, इलेक्ट्रॉड और ये नोजल का, ये हमारा इलेक्ट्रॉड है, ये हमारा नोजल है। तो इसमें जो यहाँ पे जो आप लोग दिखा रहा है ये क्या है, ये अनसेल्सियस जो बता रहा है, ये सेल्सियस जो है, ये टेम्प सेल्सियस बोलते हैं सॉरी, ये डिग्री, जो डिग्री बता रहा है, ये डिग्री पे आप लोगों को ध्यान देना है कि इसकी डिग्री कितनी से कितनी रखी जाती है, ठीक है, किसका, अपना ये नोजल का और इलेक्ट्रॉड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टैक बड वेल्डिंग करते समय पाइप के सिरों के बीच एक तार को लगाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? देखो टैक बट वेल्डिंग करते समय जो टैक वेल्डिंग हो जो होता है, क्या क्यों किया जाता है, उसमें हमें यानी कि कैसा कोई डिस्ट्रक्शन ना आए, ठीक है। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो प्लेट होती है वो कैसी होती है, टेढ़ी हो जाती है, कुछ कम ज़्यादा आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए हमें क्या करता है, टैक वेल्डिंग लगाते हैं। तो क्यों किया जाता है वैसा, देखो सी इसका आंसर, देखो सी आंसर क्या है, यूनिफॉर्म रूट गैप बनाए रखने के लिए। जो यूनिफॉर्म जो हमने जितना उसको सेटअप किया उसका जो रूट गैप है उसको हम बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे दो प्लेट है, ठीक है, ये हमारी हमारी दो प्लेट है, ठीक है, ये हमारी दो प्लेट है। तो अगर हम यार ये जो रूट गैप छोड़े हैं तो इसको अगर हम बनाए रखने के लिए अगर हम इसको टैक ना करें, हम यहाँ पे टैकिंग ना करें, हाँ, तो क्या हम डायरेक्ट हम अगर हम ये डायरेक्ट हम ये एक मिनट, ये हमारा दो प्लेट हो गई, अगर हम यहाँ से वेल्डिंग शुरू करते हैं तो ये क्या होगा, कभी इधर चिपक जाएगा या इधर से ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो ये हमारा रूट गैप गैप बनेगा क्या, बराबर नहीं बनेगा, इसलिए क्या करना है, टैकिंग करना है। क्या करना है, ये बोल रहा है ना टैक बट वेल्डिंग, तो बट वेल्डिंग हो गया लेकिन टैक वेल्डिंग, तो ये क्यों किया जाता है, यूनिफॉर्म रूट गैप बनाए रखने के लिए। क्यों किया जाता है, यूनिफॉर्म का रूट गैप बनाए रखने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स होता होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या कभी जैसे हर एक क्वेश्चन को एक 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 हम नोटबुक पे नोट कर दूंगा मैं, और उसको एक बार और एक डाउट्स करके एक टॉपिक देके उसमें आप लोगों को क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा कम आप और काफ़ी बच्चों का ये कहना है कि हम क्लासेस बहुत कम, तो क्लासेस कैसा है कि थोड़ा सा टाइम का एडजस्टमेंट नहीं होता है, डेली क्लासेस नहीं हो पाएगा, बट लेकिन जितना भी है देखो 25 क्वेश्चन का ही लेते हैं क्लासेस, लेकिन कैसा परफेक्टली 25 क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन लेके आता हूँ और सभी कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रहे, और ये कैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, इस यही क्वेश्चन बार 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 रिपीट होते हैं, इसलिए मैं समय ज़्यादा लेता हूँ, तो उसका ये है रीज़न है कि आप लोगों को परफेक्टली कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ऐसा ये नहीं कि आप लोगों को मैं 100 क्वेश्चन एक दिन में करा दूँ, आधे घंटे में मैराथन ले लूँ, उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैसा है कि आज देखोगे कल भूल जाओगे, लेकिन 25-25 क्वेश्चन थोड़ा सा बूंद बूंद से कहते हैं ना घड़ा भरता है, वैसे ही अपन चलते रहेंगे और एग्जाम अपन देते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अपना एग्जाम नज़दीक आते जाएगा वैसे स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे अपन, बट लेकिन कैसा है अभी चलने देते हैं, कैसा होगा आप लोगों को भी थोड़ी सी आदत हो जाएगी, और एक वीडियो को आज जो पहले पुराना वीडियो को भी एक दो बार देखते जाओ बीच बीच में, ऐसा क्या होगा आप लोगों का रिवाइज होता जाएगा, वो क्वेश्चन परफेक्टली आ जाएगा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं पेपर हमारा नहीं देना है, हमको कॉम्पिटिटिव में उतरना है, तो कॉम्पिटिटिव कैसा होता है, एक 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 पॉइंट का भी फर्क होता है, तो हम बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए हमें वो सब भी देखते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन किस प्रकार निर्भर किया जाता है? देखो पाइप वेल्डिंग का बहुत बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जो नोजल का निर्भर, तो पाइप वेल्डिंग का किसके ऊपर, जो दीवार की जो थिकनेस होती है, देखो है डायग्राम, देखो ये जो पाइप का ये जो दीवार है इसकी थिकनेस जो रहती है इसके ऊपर नोजल का उपयोग किया जाता है, और टेम्परेचर का उपयोग उसके हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दीवार की थिकनेस, ठीक है। पाइप वेल्डिंग का किसके ऊपर, दीवार उसकी अगर जो मोटाई है
उसके ऊपर ही हमारा सब कुछ टिका हुआ है कि हमें कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग करना है, कौन सा नोजल उपयोग करना है, कौन सा फिलर रॉड उपयोग करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितना एम्पियर रखना है, जिस भी से अंग करते हैं गैस से करें या आर्क से करें, दोनों स्थिति में पाइप का एक ही चीज़ है, उसकी दीवार की मोटाई से ही उसका वो हमें अनुमानित लगाना है कि इसमें कितना एम्पियर या कौन सा इलेक्ट्रोड या कौन सा फिलर, कितना टेम्परेचर हमें गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग में हमें लाना है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो पाइप है ये इसकी थिकनेस के हिसाब से इसका वेल्ड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आप लोग देखे होंगे कि आप लोग इतनी यानी कि टेक्नोलॉजी हमें ITI में नहीं मिलती है, जैसे ही अभी आया हो सर आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी मशीन है। देखो ये सब आर्गन है, टिग मिग जो रहते हैं वो सब वेल्ड होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें होती है, वहाँ हमको देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए हमें सब कुछ जानकारी लेना है। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती है। ITI में हमारे एक गैस वेल्डिंग एक ट्रांसफार्मर के हिसाब से हमें प्रैक्टिकल करा दिया जाता है कोई कोई अच्छी ITI में है, वहाँ पर हर एक मशीनरी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। यदि पाइप की दीवार की थिकनेस 4 mm से कम हो तब ऐसे एज की तैयारी हो सकती है। देखो हम पाइप जो होता है क्या होता है कि उसकी दीवार पतली पाइप होती है, जो होती है पाइप कैसी होती है, पतली होती है। 4 mm से कम वाली दीवार के लिए तो किसका इसका होगा, स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट देख रहे हो, ये स्क्वायर बॉक्स जो होता है ना ऐसे स्क्वायर, इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, पाइप जो होती है स्क्वायर वाली, हमारी राउंड जो होती है उसके लिए तो हमने बता दिया, अभी स्क्वायर पे आते हैं। अब देखो इसका आंसर भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि पाइप की दीवार की थिकनेस 4 mm से कम हो तब स्क्वायर एज हो सकता है। तो स्क्वायर एज मतलब उसमें क्या होगी, मजबूती होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं चारों तरफ से उसको हम वेल्ड कर रहे हैं और उसकी थिकनेस जो अंदर की ओर है वो क्या करेगी, वो मजबूती पकड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है उसकी स्क्वायर में खोखला भाग है। ठीक है, स्क्वायर एज में वेल्डिंग की जाने वाली प्लेटों के दोनों सिरों को एक दूसरे से 3 mm की दूरी पर रखकर समतल स्थिति में वेल्ड किया जाता है। ठीक है, 3 mm की उसमें जो गैप रखा जाता है दोनों सिरों में और उसमें हम वेल्डिंग करते हैं, तो इससे क्या होती है वहाँ की जो मजबूती आएगी वो पाइप के अपेक्षा जो हमारा वेल्ड रहेगा उसकी थिकनेस क्या होगी, 3 mm से ज़्यादा, 4 mm से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए उसकी क्या होगी, मजबूती ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारा वेल्डिंग करने का पाइप का और स्क्वायर पाइप का ये टेक्निक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे, स्क्वायर वेल्डिंग। ठीक है, चलो कम ब्याज के पाइप को निम्न विधि से काटा जा सकता है, इस ऑप्शन के हिसाब से कम जो थिकनेस की जो पाइप है उसको किससे काटा जाता है। तो ये देख रहे हो ये पाइप कटर है, आप लोग इसका उपयोग किए होंगे तो नहीं भी किए होंगे तो आप लोग बता देते, ये मशीन यहाँ पर एक ब्लेड लगी रहती है, ये फाइबर और मेटल के कॉपर पीतल और ये लोहे का भी यानी कि कम प्लेट थिकनेस, जैसे 1 mm 2 mm की थिकनेस के पाइप है, तो यहाँ इसको क्या करते हैं, ये गेज पे यहाँ पे रख के इसको यानी घुमाया जाता है, पाइपों को इस राउंड से घुमाया जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये कटिंग होगा। तो ठीक है, इसका नाम क्या है, ये मशीन का नाम क्या है, पाइप कटर। क्या नाम है इसका, पाइप कटर। ये पूछ रहा है विधि काटा जा सकता है, तो किससे काटा जा सकता है, पाइप कटर। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, ये देखो ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग इसमें जब हम मोटी सीट को काटने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें 5 mm से ज़्यादा है उसको हम काटने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। प्लाज्मा कटिंग ये भी मोटी सीट के लिए है। आर्क कटिंग में क्या हो, जैसे लगाओगे वो क्या होगा, पाइप उसमें छेदा हो जाएगा या उसको कटेगा ही नहीं, क्योंकि मालूम है कैसे आर्क भी ज़्यादा हमारा ये टेम्परेचर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, ये उसका आंसर के हिसाब से देखो। अभी यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों को नाम नहीं है, ये कुछ नाम दिए हैं, तो ये नाम भी आप लोगों को फिर ध्यान में थोड़ा सा रखना है, क्योंकि कभी कभी डायग्राम का पूछ लेता है कि ये आपको नाम ना देते हुए यहाँ पे पूछ लेगा ये एक्स भाग का नाम क्या है। तो ये यहाँ पे व्हील होता है, कटिंग व्हील होता है, यहाँ पे दाते होती है बारीक बारीक ऐसे हेक्सा टाइप में, और ये हमारा जैक होता है, ठीक है, ग्राइंड रोलर होता है, इसमें यहाँ पे रोल ये लगा रहता है, बैरिंग लगा रहता है, ये हमारा स्क्रू है थिकनेस के हिसाब से, पाइप के जो साइज़ के हिसाब से ये हमारा क्या करना है, हैंडलिंग करना है, उसको फिटिंग करना है, और ये कटिंग व्हील है, और हमको पाइप को घुमाते रहना है गोल गोल करके, इस प्रकार से इसे घुमाओगे वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइप फिलिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। देखो पाइप वेल्डिंग में समकोण ब्रांच बनाने के लिए, ठीक है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा, टी वेल्डिंग, क्या
किसका, टी वेल्डिंग। ठीक है, ये आप लोगों को इसलिए डायग्राम लगा दिया जाता है कि आप लोगों को ध्यान में आ जाए। ठीक है, चलो यूनियन एल्बो एच का एल एंड का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे टी ज्वाइंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दो विभिन्न व्यास वाले पाइपों को जोड़कर पाइप की लंबाई की सीधी लाइन में बढ़ाने के लिए किया जाता है? ठीक है, इसको ये जो है आप लोग क्या बोल रहा है, दो पाइप को जोड़ के एक सीधी लाइन में उसको क्या किया जाता है, लंबाई को बढ़ाया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, लंबाई की सीधी लाइन में बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पाइप इसको क्या बोलते हैं रेडिएशन सॉकेट। क्या बोलते हैं? रेडिएशन सॉकेट। ऐसे हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं पाइप ज्वाइंटर। ठीक है, पाइप ज्वाइंटर। लेकिन इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, रेडिएशन सॉकेट। ठीक है, इसको सॉकेट नहीं बोलेंगे केवल। सॉकेट कैसा होता है कि बहुत सारे प्रकार के सॉकेट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सॉकेट वर्ड यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, रेडिएशन सॉकेट, रेडिएशन सॉकेट। इससे क्या होगा, ये हमारा क्या है, एक पाइप इधर से जुड़ेगा और एक पाइप इधर से जुड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी एमएस पाइपों की वेल्डिंग किस विधि से करनी चाहिए? जो भारी पाइप की जो वेल्डिंग है तो वो किस विधि से करनी चाहिए? देखो यहाँ पे हमारे साथी भारी पाइप लिए हैं और वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, किस विधि से कर रहे हैं? देखो, अपहिल वेल्डिंग, अपहिल और डाउनहिल वेल्डिंग क्या रहता है? ठीक है, अपहिल यानी एक अप डाउन बोलते हैं ना, एक इधर से एक उधर से, तो वैसे ही ये अपहिल वेल्डिंग से ही इसका और डाउनहिल वेल्डिंग से ही किया जाता है। तो भारी के लिए क्या करते हैं, अपहिल, ये इधर से आ रहे हैं या इधर से जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये डाउनहिल हो गया, ये इधर से आ रहे हैं, फिर एक और एक रन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपहिल वेल्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हल्के एमएस पाइप की वेल्डिंग किस विधि से करनी चाहिए? जो हल्का हमारा जो पाइप वेल्डिंग है उसमें किसके से करना चाहिए, डाउनहिल। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में, ये हमारा डाउनहिल हो जाएगा, इधर से करेंगे तो क्या होगा, डाउनहिल। ठीक है, क्योंकि डाउन से हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अपहिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर बी है। अपहिल वेल्डिंग में वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है? ठीक है, अपहिल वेल्डिंग में किस प्रकार की जाती है, तो किस प्रकार से की जाती है, अपहिल में नीचे से ऊपर की ओर, किस प्रकार से की जाती है, नीचे से ऊपर की ओर। सॉरी, मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा गलत बता दिया था आप लोगों को, तो क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कभी कभी बताने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डाउनहिल में ऊपर से नीचे की ओर, डाउनहिल में कैसा होगा, ऊपर से नीचे, हम क्या कर रहे हैं, डाउनहिल में इस प्रकार से आएंगे, ये हमारा पाइप हो गया, हम यहाँ से ऐसे नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में पाइप वेल्डिंग की हानि है, क्या है पाइप वेल्डिंग, निम्न में से ये चारों ऑप्शन में से कौन सी वेल्डिंग में हानि है, कौन सी वेल्डिंग में हानि है? देखो, इसमें सुराख की संभावना अधिक होती है, होती है, क्योंकि पाइप वेल्डिंग जब हम करने जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें बार बार छेदा हो जाता होगा। आप लोग भी प्रैक्टिकल किए होंगे पाइप वेल्डिंग का, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि बार बार क्या हो रहा होगा, छेदा हो जा रहा होगा, या अगर पावर कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चिपक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। ठीक है, इसकी कोर सजा के लिए मशीन की आवश्यकता होती है, बराबर है, इसकी जब कोर जो होती है उसकी, यानी कि क्या करते हैं, घसाई वसाई करने के लिए सजा, उसको फिनिशिंग लाने के लिए उसमें हमें क्या करना पड़ता है, मशीन की भी सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका अगर हम काटते गए पाइप को तो क्या होता है कि आड़ा टेढ़ा ही होता है। ठीक है, बार बार गैप आ जाता है उसमें, तो उसमें ये भी संभावना है। इस वेल्डिंग में प्लेटों को विभिन्न स्थितियों में रख कर वेल्ड किया जाता है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि क्या होता है, वेल्डिंग जब करते हैं तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थितियों में रखकर इसको वेल्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्थिति में पाइप वेल्डिंग को हम पाइप पूरा वेल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको अप डाउन स्थिति में लेना या गोल गोल घुमा घुमा के ही किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आज के लिए हम एक मिनट, थोड़ा आज के लिए नहीं, थोड़ा पांच क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। प्लेट वेल्डिंग का लाभ क्या है? ठीक है, प्लेट वेल्डिंग का लाभ क्या है, तो क्या है, देखिए अब इसमें भी प्लेट वेल्डिंग में क्या होता है, होता है, देखो पाइप वेल्डिंग में सुराख होने की संभावना अधिक होती है, तो यहाँ पे हमारा पाइप हमारा कम होती है। ठीक है, पाइप प्लेट वेल्डिंग में हमारी सुराख होने की संभावना कम रहती है। इसकी कोर सजा आसानी से की जा सकती है, प्लेट में क्या करना है, ये फाइलिंग किए इधर से फाइलिंग किए, हो गया तैयार। ठीक है, तो इसमें वेल्डिंग के नीचे सीलिंग रन
को आसानी से भरा जा सकता है, बराबर इसकी जो रन है किधर से भी हम आसानी से इसको भर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। आईजी में पाइप की पोजीशन क्या होती है, जो आईजी जो वेल्डिंग होती है पोजीशन, उसमें पाइप की पोजीशन क्या होती है। देखो ये क्या होती है आईजी, ये जो जो होता है ना 2G 3G, ऐसे मैं आपको बताया था, ये क्या हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, क्या है इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसमें इसमें पूछ रहा है कि आईजी में पाइप पोजीशन क्या है, ठीक है पाइप की पोजीशन, ये यहाँ पे मैंने फ्लैट लगाया है आप लोगों को, पाइप से पाइप के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्या है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको बोलते हैं आईजी जो होता है वो पाइप का एक पार्ट से, जैसे ये 2G है वैसे पाइप को आईजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को थेरेटिकल बता दिया गया, थेरेटिकल में कुछ ज़्यादा नहीं है, वही है जो मैं आप लोगों को बताया। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ढलवा लोहे की फ्यूजन वेल्डिंग के समय प्रयुक्त फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ठीक है, जो ढलवा लोहा होता है, जैसे आप लोग भूंगर देखे वैसे ही लोहा, जैसे देखे ना वो आप लोग वैसे ही एक ये ढलवा लोहा, ढलवा लोहा भी क्या होता है कि इसमें भी आयरन की जो मात्रा है और ये अपना कार्बन की मात्रा उसमें क्या होती है कम होती है। तो इसमें क्या होता है बेसिक फ्लक्स कवर होता है, क्या होता है बेसिक फ्लक्स कवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेल्डिंग की क्रिया सप्लाई मेस से डायरेक्ट नहीं की जा सकती है, वेल्डिंग की जो क्रिया होती है सप्लाई मेन से डायरेक्ट नहीं की जा सकती है। देखो क्यों नहीं की जा सकती है, इतने भारी मात्रा में करंट को संभालना संभाल सकना अप्रयोगी है, क्योंकि मान लीजिए जो वेल्डिंग जो होती है मशीनरी वो कितना क्या करंट ज़्यादा फ्लो करती है, क्यों उस समय क्या होता है अतः जो मेटल को पिघलाना है तो हमारा करंट भी क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी यानी कि सही इसका आंसर क्या है बी, वेल्डिंग क्रिया की सप्लाई मेस में डायरेक्ट नहीं की जा सकती क्योंकि यह इतने भारी मात्रा में करंट को संभाल नहीं सकती। ठीक है, ये क्या होता है इतने मात्रा में भारी करंट को संभाल नहीं सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो को कैसे रोका जा सकता है, देखो आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो को रोकने के लिए एसी वेल्डिंग मशीन के उपयोग से ही रोका जा सकता है, ऐसे कई प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं अभी, इसका तो सही आंसर ए ही है। ठीक है, चलो आर की लंबाई बढ़ाकर नहीं, आर की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो इससे हमारा ब्लो पाइप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हम आर की लंबाई कितनी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नंगे इलेक्ट्रोड का उपयोग करके बिल्कुल नहीं, नंगे इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे तो हमारा आर्क ब्लो और ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें क्या होगा फ्लक्स नहीं है, कोटेड नहीं है, तो हमारा करंट जो है वो कैसे होगा उसमें शोर पकड़ ज़्यादा हो जाएगा। वेल्डिंग को धरिता से संपर्क से दूर करना नहीं, उससे दूर कर देंगे तो हमारा वेल्डिंग ही नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या होगा आर्क, इसका आंसर देखो एसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग से, ये तो एसी वेल्डिंग तो हमें करना ही है मशीन का उपयोग, आर्क को धारा कम करके, आर्क का जो टेम्परेचर है जो एम्पियर है उसकी धारा को कम करके हम उसको आर्क ब्लो को रोक सकते हैं। क्यों आर्क ब्लो क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब आर्क ब्लो उसमें होता है। कार्यखंड का पूर्वापातन करके इससे भी हम कम कर सकते हैं। भू क्लैंप को वेल्डिंग करने के साथ स्थान से दूर लगाकर, देखो भू क्लैंप मतलब क्या होता है, जो जमीन पे क्लैंप रहता है उसको हमें दूर लगाना है। ठीक है, कार्यखंड से भू संयोजन की स्थिति, अर्थिंग का यहाँ भी कोई ये नहीं है ज़्यादा। ठीक है, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्क का धारा को कम करना और एसी वेल्डिंग मशीन से। ठीक है, चलिए हम आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं, 25 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे बढ़ना है। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन, आप लोग सोचोगे कि सर कम क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्वेश्चन के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, आप लोगों को भी टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं, टाइम देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे बताइए, वैसा करेंगे। और प्लस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर पहली बार अगर आए हैं आप में से कोई भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जैसे आप उसमें, और बेल आइकन को दबा लें, जैसे हमारा नया वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लस थोड़ा सा अपने फ्रेंडशिप जो सर्कल है वेल्डर ट्रेड के, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी इस लाइन से जुड़ जाए, उनको भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, देखो ये कंपटीशन कैसा है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आज के डेट में हर जगह इंटरव्यू और पेपर लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों से ये सब चीज़ें कोई भी पूछ सकता है, तो इसलिए उनको भी लाइफ सभी का अच्छा हो ये अपना एम है। इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो, वो भी प्राइवेट में जाए तो कुछ चीज़ें सीख के जाए हमसे। ठीक है, और कुछ डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतने पर रोकते हैं, थैंक यू।